हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू गाइज नो, मेनी पीपल शेयर दी ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ देयर कार ऑन माय चैनल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कार का भी एक ओनरशिप एक्सपीरियंस दे दूँ चैनल पर। सो दिस इज i20 एलीट स्पोर्ट्स, ये 2016 का मॉडल है, तो ऑलमोस्ट 5 साल इस कार को हो चुके हैं। एंड वैसे मैंने इसको ड्राइव करना 2018 से स्टार्ट किया था, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट लीगल, जब ये कार हमने परचेज करी थी कि मैं कार चला सकूँ। सो मेरे पापा इस कार को ड्राइव करते थे, बट उस बेसिस पे जब से मैंने इसको ड्राइव करना स्टार्ट किया, मैं उस बेसिस पे आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस देता हूँ। दिस कार हैज़ कम्प्लीटेड 70,000 किलोमीटर्स। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसी 70,000 के बाद कैसे परफॉर्म करती है, एंड 5 साल के बाद क्या इसका रिस्पॉन्स है। सो स्टे ट्यून्ड and we'll also see that how this i20 is better than the current i20. So watch this video till end. Start करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका एक overview दे देता हूँ। So if I start from key, so this is how key looks like. Sports variant के साथ आपको ऐसी कुछ flip key देखने के लिए मिल जाती थी, आज जो sports variant आ रहा है उसके साथ भी same key आपको देखने के लिए मिलती है, कुछ भी change है नहीं उसमें। And यहाँ पर आपको lock, unlock and boot को unlock करने के लिए option मिल जाते थे। Front से अगर मैं बात करूँ, so ये जो design था i20 का second generation वाला fluidic 2 design, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट जो आज वाली है उसके लिए मैं इतना नहीं हूँ, बट स्टिल वो किसी पर ग्रो कर रहा है किसी पर नहीं कर रहा है। बट पर्सनली मुझे यही वाला डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा पसंद था i20 का। इसके हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ, बट जिसका टॉप एंड वेरिएंट था उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते थे। इनका भी एक मैं नेगेटिव बता देता हूँ हेडलैम्प्स का, जो ये आपको वाइट स्ट्रिप दिख रही होगी, ये जो है टाइम के साथ येलो पड़ जाती है। सो अगर आपकी गाड़ी का एक साइड से एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मान लो अगर आपकी ये वाली लाइट डैमेज हो गई, सो आपको दोनों जो है चेंज करवानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिप, क्योंकि ये वाली बिल्कुल वाइट लगती है जब स्टार्टिंग में लग के आती है लाइट, एंड वो वाली येलो पड़ जाती है, तो वो थोड़ा ऑड दिखता है। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मेरी ये लेफ्ट वाली लाइट है जो वो डैमेज हो गई थी, तो मेरे को दोनों ही चेंज करानी पड़ी थी जस्ट टू मतलब ये दोनों जेल अप हो जाए। एंड फ्रंट में आपको ऐसा कुछ हुंडई का लोगो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता था, ऐसी कुछ ग्रिल देखने के लिए मिल जाती थी, आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स भी देखने के लिए मिल जाते थे इस वेरिएंट के साथ। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ, सो दिस इज़ दी साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। टायर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो इस वाले जो स्पोर्ट्स वेरिएंट थे, इसके साथ आपको नॉर्मल व्हील कैप्स मिलते थे विद दी स्टील रिम्स, एंड जो इनका टायर साइज है वो है 185/70 R14, 14 इंचज़ के आपको स्टील रिम्स मिलते थे। बट इसी के साथ यहाँ पर आपको जो ORVMs है वो ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यहीं पर आपको साइड टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते थे। एंड इसमें एक फीचर और था, मान लो आपको जैसे एक वेलकम फीचर है, ये आपने कार अनलॉक की, सो जो आपके ORVM से वो फोल्ड हो जाएंगे, एंड अगर आप अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। अब अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूँ, सो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। रियर से भी ये वाली जो i20 है ये ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है मुझे। ऐसे कुछ आपको टेल लैंप्स मिल जाते थे इसके साथ। एंड यहाँ पर आपको एक और चीज़, अगर मैं इसको नई वाली i20 से कंपेयर करूँ, सो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते थे। जो आज की करंट i20 आ रही है उसमें आपको टॉप मॉडल में भी सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे, जिनका रिस्पॉन्स है वो बढ़िया है, अभी तक ये ख़राब नहीं हुए, इनको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए लग के। एंड यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को उस टाइम पर लगती थी, इसका जो सी पिलर है ये ब्लैक आता था। अब इसके इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूस 82 BHP एंड 115 NM ऑफ टॉर्क। एंड इसकी एक बात बता देता हूँ आपको, इफ़ यू आर अ कार एंथुजियास्ट तो दिस कार इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज ये जो इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर है। अगर आपको मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे मैं बहुत बड़ा कार एंथुजियास्ट हूँ, सो आई एक्सपेक्ट पावर फ्रॉम कार, बट ये जो इंजन है बहुत ज़्यादा अंडर पावर है। अगर मेरे को कोई गाड़ी ओवरटेक भी करनी है, फर्स्ट आई हैव टू प्लान एवरीथिंग कि गाड़ी ओवरटेक होगी या नहीं। एंड इसकी गियरिंग जो है वो भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बहुत शॉर्ट गियरिंग है इसकी। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ यू नो हु वांट पावर फ्रॉम कार, हु एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस, सो आप इस कार को मतलब उसको ये कार पसंद नहीं आएगी। बट कम्फर्ट वाइज देखें अगर, एंड अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं सिटी ड्राइविंग के लिए, सो दिस कार इज़ फाइन फॉर यू। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ करंट i20 से, एंड अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार मार्केट में इस कार को कंसिडर कर सकते हैं सो यू कैन गो फॉर दिस कार। इन चीज़ों में कार बढ़िया है, बट परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है इसकी बिल्कुल, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इसकी माइलेज की बात करूँ, सो वो भी कम है जिस हिसाब की गाड़ी है, जैसे एक हैचबैक है, सो इसकी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसकी माइलेज होगी अराउंड 14-15 के अराउंड, बट मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से ये कार से मेरे को माइलेज देती है 9-10 एंड मैक्सिमम 11। हाईवे पर अच्छी दे देती है, बट मेरी मोस्ट ऑफ द ड्राइविंग
ड्राइविंग सिटी में होती है, तो उस हिसाब से इस कार की माइलेज अच्छी नहीं है। ये तो कुछ नेगेटिव्स हो गए इस कार के, अब थोड़ी पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, एक तो गाड़ी कंफर्टेबल है आपको, अभी मेरी कार 70,000 चल चुकी है, अंदर एज सच कोई इतनी इंजन की वाइब्रेशन अभी तक नहीं आती है। अगर मैं एसी ऑफ कर दूं गाड़ी का एंड गाड़ी स्टार्ट हो तो पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। एंड अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, सो जो करंट i20 है उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। इफ़ आई ओपन द डोर एंड इसका आप थर्ड सुनना, एंड ये करंट i20 में करके देखना, आपको बहुत दिन रात का फर्क दिखेगा। एंड जैसे मैंने तो ये i20 यूज़ किया, मैंने नई वाली भी चलाई है तो इसको तो मैं यूज़ कर ही रहा था, मैंने उसका डोर ओपन किया तो मेरे को बहुत ही लाइट फील हुआ। एंड बिल्ड क्वालिटी में भी, इसकी इंटीरियर क्वालिटी भी मेरे को बड़ी पुअर फील हुई इसके कंपेटिव, तो थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ की है वैसे। और मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, जो उसके पार्किंग सेंसर्स है उसमें आपको सिर्फ दो मिलते हैं, बल्कि इसमें आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसके टॉप मॉडल में भी सिर्फ आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो ये उसकी मेरे को एक बहुत बेकार चीज़ लगी। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया, एंड और एक बार मैं आप इंटीरियर दिखाता हूँ आपको इस कार का, एंड वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो आपको ऐसा कुछ इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता था जो इस अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही अप मार्केट लगता था, आपको बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता था यहाँ पर। एंड अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा हो तो ये कार्बन फाइबर फिनिश मैंने आफ्टर मार्केट जाके करवाया है, ये वैसे कंपनी से नहीं आता है। एंड आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM भी मिल जाता था, जो कि आज के i20 में नहीं आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, एंड टॉप में भी आई गेस नहीं आता है आज के टाइम पे, बट इसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही मिल जाता था। इधर आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता था, एंड वेनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक वेनिटी मिरर भी मिल जाता था, बट इस साइड आपको नॉर्मल कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था। अगर मैं इसके ग्लव बॉक्स की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता था जिसका वेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड ये थोड़ा स्पेशियस भी नॉर्मल है, मतलब आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी इंटीरियर क्वालिटी की बात कर लूँ मैं, सो जो इंटीरियर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर है करंट i20 से। एंड यहाँ पर आपको 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं एंड 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब एक बार रियर में चलते हैं, मैं वहाँ पर दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस है। रियर स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सो आगे वाली जो सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है लेग रूम में। एंड अगर हेड रूम की बात करूँ तो उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं फॉर दी रियर पैसेंजर्स। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको यहाँ पर ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो रियर वाले वो नहीं मिलते हैं, बट फ्रंट में आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प भी मिल जाता है। हाँ, रियर स्पेस में मेरे को ये एक और नेगेटिव लगा इसका कि रियर स्पेस इसमें ज़्यादा है नहीं, बट अंडर थाई सपोर्ट है वो है, वो बढ़िया है इसका। बाकी जो रियर विंग कैमरा की प्लेसमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यू लंगेज इन टू रिवर्स गियर, तो जो रियर विंग कैमरा है वो यहाँ पर आपको शो होता है, जो IRVM है, ये ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है जैसा कि मैंने बताया था। एंड उस टाइम के हिसाब से जो है 2014 में कार वैसे लॉन्च हुई थी, मैंने 2016 में इसको परचेज करा था, उस टाइम के हिसाब से जो है ये कार बहुत ही अप मार्केट लगती थी, जो ये इंटीरियर है बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था जैसा मैंने बताया था। वन मोर थिंग, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक और इसका नेगेटिव है जो मुझे कम लगती है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के साथ आपको मिल जाती है, जो कि कम है, बिकॉज अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, सो ये कार टच होती है। उसका मैं आपको एक इम्पैक्ट भी दिखा देता हूँ, जो मेरा रनिंग बोर्ड है ये यहाँ से डैमेज हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम है। तो यार ये चीज़ भी मेरे को थोड़ी इसमें प्रॉब्लम लगती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सो 285 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है, जो कि करंट वाली i20 से कम है। उसका 311 लीटर्स आपको उसका बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, बट ये जो बूट स्पेस है ये भी कम नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स बेसिकली, उसके लिए आपको ये जो बूट है वो इनफ रहेगा। सो अब एक बार बात करते हैं, अगर कोई इस कार को सेकेंड हैंड मार्केट में कंसिडर कर रहा है उसको इस कार के लिए जाना चाहिए या नहीं। सो इफ़ यू आर अ गाय जिसको परफॉर्मेंस पसंद है, सो इट्स अ बिग नो, आप इस कार के लिए बिल्कुल मत जाना, बिकॉज आप बोर हो जाओगे इस कार से, बहुत ही अंडर पावर है। बट इफ़ यू आर अ गाय जो नॉर्मल सिटी में ड्राइव करता है, जिसको ऑफिस अप डाउन करना है, सो यू कैन गो फॉर दिस कार, बिकॉज जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है एंड जो इसके जो ओवरऑल लुक्स हैं वो आपको करंट i20 से बेटर मिल जाते हैं ऐसा मुझे लगता है। बट बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, सो वो तो ऑब्वियसली बेटर है, बट लुक्स में किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती है। किसी को वो i20, किसी पे वो i20 ग्रो कर रही है जो करंट वाले, किसी पे ये करती थी। ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है मेरे को जब मैंने लिया था, सिवाय अलॉय व्हील्स एंड पुश बटन स्टार्ट के अलावा इसमें सब कुछ है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। ये था पूरा इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड काइंडर रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।